कुटेला भाटा भिलाई में बनने वाले आईआईटी का निर्माण कार्य काफी जोरों पर है। फिलहाल कुछ देरी हो रही है, बावजूद इसके ये आईआईटी जनवरी 2023 से प्रारंभ होने के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना है आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर रजत मुड़ा का। पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि भिलाई में स्थित आईआईटी में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और आईआईटी को जीरो वेस्ट बनाया जा रहा है, साथ ही वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी की जा रही है। आने वाले समय में आईआईटी भिलाई एक स्कूल को अधिग्रहण करेगा, उसमें अपने शिक्षकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आईआईटी कैंपस के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। इस परिसर के अंदर शॉपिंग मॉल, चिकित्सा सुविधा, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल, खेल संबंधी सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध होंगी। आशा जताई जा रही है कि पूरे देश में 23 आईआईटी में से भिलाई आईआईटी अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो पाएगा, क्योंकि इस आईआईटी के निर्माण के दौरान ही प्रबंधन को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आईआईटी भिलाई की स्थापना 2016 में हुई थी, अगस्त 2016 में, और ये सभी आईआईटी में एक यंगेस्ट आईआईटी है। हमारे कैंपस का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है और 2020 से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, और अभी हमारी पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम इस कैंपस में शिफ्ट कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुल मिला के इसमें करीब 23 बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसमें हमारे क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, एकेडमिक बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल वर्कशॉप, सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी और घरों का काम चल रहा है। ये जल्दी ही हमें लगता है हम इसको इस हालत में पहुंच पाएंगे कि हम यहाँ पे शिफ्ट करें। सर, इन्वायरमेंट और ग्रीनरी को लेकर किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? तो हमारे यहाँ कैंपस में इको फ्रेंडली और इको सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ध्यान रखा गया है। ये कैंपस जीरो डिस्चार्ज सिस्टम को अडॉप्ट किया है हमने, और इसके लिए हमें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। जीरो डिस्चार्ज सिस्टम का मतलब है कि हम यहाँ पे पानी जो वेस्ट वाटर होता है उसको पूरी तरह से यहीं कैंपस में ट्रीट करेंगे। उस ट्रीटेड पानी को हम रिसाइकल करते हैं और जो वेस्ट होता है उससे मैन्योर बना के उसको कंपोज करके हम उसको यूज़ करेंगे। उसी तरह से हमारी जितनी भी वेस्ट है, चाहे वो मेस के खाने की वेस्ट हो, चाहे घरों की वेस्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे केमिकल वेस्ट हो, उस सबके निस्तारण का अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया है। जितनी भी हमारी वेट वेस्ट होगी उसको हम कंपोस्ट करके उसको खाद की तरह से इस्तेमाल करेंगे, और जितनी हमारी ड्राई वेस्ट है उसको हम तरह तरह की इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके उसको हम ईंधन के रूप में उनको देंगे। यहाँ पे जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उनके यहाँ फर्नेसेस होती हैं और उसमें वो लोग जो है ड्राई वेस्ट को काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ फ्यूल। तो ये हमारा पूरा पूरा प्रयास है, और इको सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से शायद हमारा कैंपस एक अपने आप में एग्जाम्पल रह गया, और पूरे कंट्री में यहाँ पे हम कुछ भी वेस्ट को डिस्चार्ज नहीं करें। सर, स्कूल को अधिग्रहण किया है आपने, स्कूल को अभी फिलहाल किस तरह से यूज़ करेंगे? स्कूल का देखिए, यहाँ पे कुठेला भाटा गांव में एक स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल है। सबसे बड़ा अधिग्रहण का जो हमारा जो विचार है, और शायद इसमें हमारी जो इच्छा है वो पूरी पूरी दर्शाता है कि हम अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, हम अपने लिए एक अलग से स्कूल नहीं बनाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि गांव के स्कूल और गांव के बच्चे और हमारे बच्चे सब साथ पढ़ेंगे और उनको अच्छा एक पढ़ाई का वातावरण मिलेगा। दूसरी, हमारे खुद के टीचर्स उस स्कूल में पढ़ा पाएंगे और उस स्कूल में बेहतर एजुकेशन प्रदान कर पाएंगे। एक स्कूल को कैंपस का एनवायरनमेंट मिलेगा, और उस स्कूल की जो बिल्डिंग थोड़ी ख़राब हालत में है उसको हम सुधारेंगे। वहाँ पे मॉडर्न ब्लैक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स, फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें लगाएंगे। ये स्कूल अपने आप में एक सरकारी स्कूल की तरह से एक नायाब स्कूल बनेगा। अन्य आईआईटीज़ के अगर तरह से देखें तो हमारे सिस्टम में काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे ग्रह 5-स्टार रेटिंग पे गए हैं, जो एक सस्टेनेबिलिटी का मापक्रम है, मानक है, और ये ग्रह काउंसिल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसकी कई रेटिंग होती है, 1-स्टार, 2-स्टार, 3-स्टार, 4-स्टार, 5-स्टार। 5-स्टार इनकी टॉप मोस्ट रेटिंग होती है, और हम उस टॉप मोस्ट रेटिंग पे 5-स्टार पे ऑलरेडी हमको वो सर्टिफिकेट मिला है।
इसमें 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं तरह तरह की चीज़ों के लिए, और जब 85 मार्क्स मिल जाते हैं तो वो ग्रह 5 स्टार हो जाता है। हमें लगभग 90 मार्क्स मिले हैं, तो ये एक काफ़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे इंजीनियर्स और हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनका काफ़ी योगदान रहा है इसको इंश्योर करने के लिए कि हम इस लेवल तक पहुंच पाएँ। बाकी IITs का अगर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ बिल्डिंग्स को तो उनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक पूरे कैंपस में किसी को भी 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली लार्ज एरिया डेवलपमेंट की। तो ये एक बहुत बड़ा अनूठी पहल है। दूसरी अनूठी पहल जो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे जीरो वाटर डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट डिस्चार्ज और वेस्ट का रिसाइकिलिंग करेंगे, ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ी पहल है। कुछ IITs में हो रहा है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है ये। भिलाई IIT का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर, सुनियोजित और बाकी IIT से अलग नजर आता है। देखना होगा कि भिलाई IIT किस तरह से पूरे देश के विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।